14 अप्रैल 1912 वो अभागा जहाज जो अपनी पहली यात्रा में ही दम तोड़ देता है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज वो काली रात है जिसने महज कुछ घंटों में ही सैकड़ों लोगों की जान ले ली। ये वो दिन था जब कभी ना डूबने वाला जहाज कुछ घंटों में ही समुद्र की असीम गहराइयों में दम तोड़ देता है। दम तोड़ देते हैं वे 1500 लोग जिनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने उस समय के सबसे आलीशान और महंगे जहाज में सफर करने का निर्णय लिया था। उस रात आखिर टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था, आखिरकार कैसे 1200 दिनों में बनाए जाने वाला टाइटैनिक जहाज महज 2.5 घंटों में डूब गया, क्या टाइटैनिक सच में केवल आइसबर्ग से टकराकर समुद्र में डूब गया या इसके पीछे कोई ऐसा कारण है जिससे आज भी लोग अनजान हैं? आज हम टाइटैनिक से जुड़े वो राज और रहस्य आपके सामने रखने वाले हैं जिनका जिक्र करते शायद ही आपने किसी को सुना होगा। ये बात है आज से करीब एक सदी पहले की। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनाना चाहता था, एक ऐसा जहाज जो सारी सुख सुविधाओं से लैस हो, एक ऐसा जहाज जो कभी न डूब सके और ऐसा जहाज जिस पर बैठने का ख्वाब दुनिया के हर एक शख्स का हो। हालांकि वो इस बात से अनजान थे कि जितनी मेहनत वो इस जहाज को बनाने में लगाने वाले थे वो जहाज न केवल डूबेगा बल्कि अपनी पहली यात्रा में ही डूबेगा और अपने साथ सैकड़ों लोगों को भी ले डूबेगा। ब्रिटेन सरकार ने इस जहाज को बनाने का जिम्मा व्हाइट लाइन स्टार कंपनी को सौंपा और सन 1909 में इस जहाज का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। इस कभी न डूबने वाले जहाज को बनाने में 3 सालों का समय लगा और 31 मार्च सन 1912 में ये बनकर पूरे तरीके से तैयार हो गया। इस जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन यानी कि आज के समय के हिसाब से देखें तो लगभग $200 मिलियन का खर्च आया था। टाइटैनिक को बनाने में उस समय की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। ब्रिटेन सरकार चाहती थी कि टाइटैनिक को टक्कर देने वाला कोई जहाज बन ही ना सके और इसीलिए इसे इतना आलीशान और आधुनिक बनाया गया जिसकी कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। ये जहाज अपने समय के बाकी अन्य जहाजों से आधुनिकता, आकार और ऐशो आराम जैसे सभी मामलों में काफी आगे था। 3 सालों में 3000 वर्कर्स के साथ बनाया गया ये जहाज सच में ही अद्भुत था। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाते बनाते 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 40 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। टाइटैनिक का कुल वजन 46,000 टन जितना था और ये 882 फीट लंबा था, इतना लंबा कि इसके अंदर 3 फुटबॉल फील्ड समा सकते हैं। अगर इसे वर्टिकली खड़ा कर दिया जाता तो ये उस समय मौजूद सबसे ऊंची इमारत से भी ज्यादा ऊंचा होता। इसका इंटीरियर बेहद खूबसूरत था, इसके अंदर स्विमिंग पूल और जिम भी थे। टाइटैनिक को फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास रूम्स में विभाजित किया गया था। फर्स्ट क्लास के रूम्स में डाइनिंग सैलून, रिसेप्शन रूम, रेस्टोरेंट, रीडिंग व राइटिंग रूम, स्मोकिंग रूम, कैफे के साथ और अन्य तरह की सुविधाएं भी थी। अंदर से ये एक महल से कम नहीं था, यहाँ सीढ़ियों के साथ गुंबद की शेप में रूम्स भी थे जो पुराने समय में राजा रानियों के महलों जैसे ही थे। यात्रा करने के लिए टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास रूम की टिकट 2.7 लाख, सेकंड क्लास की टिकट 1 लाख और थर्ड क्लास रूम की टिकट 2000 रुपए थी। बाहर से देखने पर टाइटैनिक और बाकी अन्य जहाजों में आसानी से अंतर किया जा सकता था क्योंकि ये बाकी के अन्य जहाजों के मुकाबले बहुत विशाल था। इस जहाज में कुल 4 चिमनी थी जिसमें से चौथी चिमनी से धुआं नहीं निकलता था। इस चिमनी को लगाया गया था जहाज को खूबसूरत बनाने व स्थिरता प्रदान करने के लिए। टाइटैनिक को चलाने के लिए हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत पड़ती थी जिसके लिए उस समय 176 लोगों को काम पर रखा गया था। टाइटैनिक से राख और धुआं दोनों ही निकलते थे जो कि वातावरण के लिए खराब थे। टाइटैनिक को इतने ज्यादा कोयले की जरूरत पड़ रही थी कि कोयले की कमी ही होने लग गई। इसी वजह से व्हाइट लाइन स्टार कंपनी द्वारा बनाए गए 2 अन्य जहाजों की यात्राओं को रद्द करना पड़ गया। टाइटैनिक में सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया था। इतने बड़े और मजबूत टाइटैनिक का निचला हिस्सा 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट से बनाया गया था। अगर 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी भर जाता तब भी ये जहाज समुद्र में नहीं डूब सकता था। इसके अलावा इसका बेस 2-2 लेयर से मिलकर बना था, अगर निचला वाला लेयर टूट भी जाता तब भी जहाज सुरक्षित रहता, ऐसा वाटरलाइन स्टार कंपनी का कहना था। टाइटैनिक के इन्हीं 2 सेफ्टी फीचर्स के कारण उसे द अनसिंकेबल शिप यानी कि कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 10 अप्रैल 1912 को, इसी दिन टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला था। टाइटैनिक जहाज का प्रचार बेहद जोरों शोरों से किया गया था, इसीलिए यात्रा से पहले इसकी एक झलक देखने के लिए ही हजारों लोग समुद्र के किनारे एकत्रित हुए थे। 10 अप्रैल 1912 को 924 यात्रियों के साथ टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ।
42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये 10 अप्रैल को ही शाम के समय चेरबर्ग पहुंचा। चेरबर्ग से 274 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक 11 अप्रैल को आयरलैंड के क्वींस टाउन पहुंचा, जहां से 123 और यात्री टाइटैनिक पर बैठे और यहां से जहाज सीधा न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। जहाज अपनी फुल स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा था। आयरलैंड से न्यूयॉर्क जाते जाते टाइटैनिक को रास्ते के बीच आइसबर्ग होने की चेतावनी मिलने लगी, लेकिन जहाज के कैप्टन स्मिथ इन चेतावनियों को नजरअंदाज करते रहे। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि व्हाइट लाइन स्टार कंपनी के चेयरमैन ने कैप्टन स्मिथ को कहा था कि जहाज की गति को धीमा न किया जाए, ताकि जहाज एक दिन पहले ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। और टाइटैनिक विशालता और भव्यता के साथ साथ अपनी रफ्तार के कारण भी सुर्खियों में आ जाए। आइसबर्ग की पहली चेतावनी मिलने के बाद जहाज की डायरेक्शन को 2 बार मोड़ा गया, लेकिन इसकी गति को कम नहीं किया गया। 2 दिन बाद टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन में होता है। सूरज ढलता है और रात का समय हो जाता है। इस समय तक टाइटैनिक को आसपास के जहाजों से 7 और आइसबर्ग की चेतावनी मिलती है, लेकिन इस बार ना तो जहाज की स्पीड कम होती है, ना ही तो उसकी डायरेक्शन में कोई बदलाव किए जाते हैं। कैप्टन स्मिथ ने 2 क्रू मेंबर्स को जहाज के सबसे ऊपर तैनात कर दिया था, ताकि अगर सामने कोई खतरा दिखे तो वो जल्द ही उन्हें आगाह कर दें। लेकिन दोस्तों, ये कदम भी टाइटैनिक को किसी प्रकार से बचा नहीं पाया। शायद टाइटैनिक की किस्मत में डूबना ही लिखा था। 14 अप्रैल की रात आसमान में चांद नहीं था, केवल कुछ तारे थे जिनकी फीकी फीकी रोशनी पड़ रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा था, इसीलिए दूर मौजूद किसी चीज को देख पाना संभव नहीं था। दोनों क्रू मेंबर्स में से एक क्रू मेंबर को सामने एक काला सा पहाड़ दिखाई देता है। वैसे तो ये काला था, लेकिन वो क्रू मेंबर जल्द ही समझ गया कि वो काला पहाड़ को चौड़ नहीं बल्कि आइसबर्ग ही है। बिना समय गवाए ये क्रू मेंबर नीचे अधिकारियों को खबर पहुंचाता है कि सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग है और जहाज को बाईं तरफ मोड़ने का आदेश देता है। ये खबर सुनते ही नीचे के अधिकारी विचलित हो जाते हैं और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जहाज को बाईं ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक आइसबर्ग मिलने की चेतावनी मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी प्रयासों के बावजूद जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग के टकराने से 37 सेकंड पहले ही आइसबर्ग दिखा था। इसका मतलब जहाज को मोड़ने के लिए मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड का समय ही बचा था। अगर ये आइसबर्ग 1-2 मिनट पहले भी दिख जाता तब भी जहाज की दिशा को मोड़ा जा सकता था और इस हादसे को टाला जा सकता था। जिन क्रू मेंबर्स को ऐसे खड़ा किया जाता है उनके पास बायनोकुलर्स होते हैं, लेकिन टाइटैनिक पर खड़े इन दोनों क्रू मेंबर्स के पास कोई भी बायनोकुलर नहीं था। बायनोकुलर्स होते तो आइसबर्ग का पता जल्दी चलता और इस दुर्घटना को आसानी से टाला जा सकता था। हालांकि अंत में आइसबर्ग से टकराव हो ही गया। ये टकराव रात 11:40 पर हुआ था। आइसबर्ग का टकराव टाइटैनिक के फ्रंट साइड में दाहिने व निचले हिस्से में हुआ था। इसी कारण टाइटैनिक के बेस के स्टील प्लेट्स में खरोंच आ गई और उसके वाटर टाइट कंपार्टमेंट में पानी भरने लग गया। 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स जो फ्रंट राइट साइड में थे उनमें पानी भर गया। आइसबर्ग से टाइटैनिक का टकराव इतना जोरदार था कि आइसबर्ग के कुछ टुकड़े टकराकर जहाज पर भी गिर गए थे। अगर टाइटैनिक के 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाए तो शायद जहाज चलता रहता और उसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहां पर तो 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया था। जहाज के ऑफिसर समझ जाते हैं कि अब ये जहाज जिसे वे अनसिंकेबल कहते हैं वो अब डूब जाएगा। खतरे को देखते हुए कैप्टन स्मिथ ने आदेश दिया कि लोगों को लाइफ बोट के जरिए शिप के बाहर निकाला जाए। हालांकि इंपैक्ट के शुरुआती कुछ समय तक ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि ये जहाज नहीं डूबेगा, क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स में अनसिंकेबल नाम सुन रखा था। यही कारण था कि शुरुआत में लोग ज्यादा डरे हुए नहीं थे और भगदड़ भी नहीं मची थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे ही परिस्थितियां खराब होने लग गईं। एक और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जहाज में जरूरत या कहें कि फुल कैपेसिटी में लाइफ बोट्स मौजूद नहीं थी। एक लाइफ बोट में 65 लोगों की जगह थी और जहाज पर कुल 20 लाइफ बोट्स थे, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 1300 लोगों को ही जहाज के बाहर निकाला जा सकता था। वहीं कुल 2200 यात्री जहाज पर मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, यहां पर भी लोगों की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। शुरुआत में लाइफ बोट्स पर ज्यादा लोग चढ़ने को तैयार ही नहीं थे। लोगों को ये लग रहा था कि ये जहाज नहीं डूबेगा, इसीलिए शुरुआत में लाइफ बोट्स अपनी फुल कैपेसिटी के साथ नहीं निकले। धीरे धीरे जब जहाज में पानी भरने लगा तब लोगों को एहसास हुआ कि ये जहाज अब डूब सकता है, और इसी के बाद लोगों के बीच भगदड़ मच गई। ज्यादा से ज्यादा लोग अब लाइफ बोट पर जाने के लिए लड़ रहे थे।
बच्चों और महिलाओं को पहली प्रायोरिटी दी गई और सबसे पहले इन्हें ही निकालने पर जोर दिया गया। कुछ लोगों ने अपनी मृत्यु को स्वीकार भी कर लिया। वे जहाज में ही स्थिर बने रहे और मृत्यु का इंतजार करते रहे। कहा जाता है कि म्यूजिशियंस का एक ग्रुप जहाज डूबने के समय भी आराम से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा था, ताकि मरने वाले लोग अपने अंतिम समय में थोड़ी खुशी के साथ मरें। धीरे धीरे जहाज के कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लग गया, जिससे जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा और पिछला हिस्सा ऊपर की ओर खड़ा हो गया। रात के 2:20 पर वो समय आया जब जहाज बीच से टूट गया और दो हिस्सों में बट गया। इसके बाद पल भर में ही जहाज के दोनों हिस्से पानी में डूब गए। कभी न डूबने वाला जहाज महज 2:40 में पूरी तरह से अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया। इस घटना से पहले तकरीबन 700 लोगों को लाइफ बोट से निकाला जा चुका था और लगभग 1500 लोग जहाज के साथ पानी में डूब गए। समुद्र के पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था। जो लोग तैरकर कुछ घंटे जिंदा रह सकते थे, वे लोग भी इतने ठंडे पानी में अपना दम तोड़ देते हैं और देखते ही देखते 1500 लोगों की दुखद मृत्यु हो जाती है। जहाज को तो बचाना शायद नामुमकिन था, लेकिन अगर टाइटैनिक पर सही मात्रा में लाइफ बोट्स मौजूद होते तो सभी लोगों को यकीनन बचाया जा सकता था। कैप्टन स्मिथ को जहाज पर मौजूद लोगों की संख्या पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पर्याप्त लाइफ बोट्स का इंतजाम जहाज पर नहीं करवाया था। शायद इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। कैप्टन स्मिथ खुद इस घटना में नहीं बच पाए थे। कुछ लोगों के अनुसार उनकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई थी, तो कुछ ये मानते हैं कि उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। खैर, सच क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन टाइटैनिक डूबने के बाद शुरुआती न्यूज़पेपर्स में ये गलत खबर छापी गई थी कि टाइटैनिक डूबा तो है लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। 2 दिन बाद ही खबरें आती हैं कि लगभग 1500 लोग इस घटना में मारे गए। खैर, इसके अलावा इस दुर्घटना के बाद समय समय पर सवाल भी उठते रहे कि आखिरकार इतना मजबूत और शक्तिशाली जहाज कैसे महज एक आइसबर्ग के टकराने से डूब गया। उस समय की सबसे उम्दा टेक्नोलॉजी से बना जहाज एक आइसबर्ग के इम्पैक्ट को क्यों नहीं झेल पाया। वेल, दुर्घटना के बाद इस विषय पर काफी रिसर्च की गई और रिसर्चर्स को जो पता चला उसने सभी के होश उड़ा दिए। रिसर्चर्स को पता चला कि टाइटैनिक के डूबने की असली वजह महज वो आइसबर्ग नहीं बल्कि वो आग भी थी जो टाइटैनिक के बेस या कहें कि निचले हिस्से में लगी हुई थी। ये आग टाइटैनिक के समुद्र में यात्रा करने के पहले से ही लगी हुई थी। टाइटैनिक में लगी इस आग का जीता जागता सबूत है टाइटैनिक की यात्रा से पहले की ली गई तस्वीरें, जिसमें टाइटैनिक के निचले हिस्से में एक काले धब्बे को साफ साफ देखा जा सकता है। ये काला धब्बा कुछ और नहीं बल्कि लगी हुई आग का ही निशान था। इस धब्बे को सबसे पहली बार एक जर्नलिस्ट ने नोटिस किया था और जब उस जर्नलिस्ट ने रिसर्चर्स को इसके बारे में बताया और जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि वो धब्बा जहाज के अंदर लगी आग का ही नतीजा रहा होगा। रिसर्चर्स का कहना है कि बेस में लगी इस आग ने जहाज के बेस को 70-75% तक कमजोर कर दिया होगा। इत्तेफाक की बात तो ये थी कि जिस जगह पर ये धब्बा था उसी जगह पर आइसबर्ग टाइटैनिक से टकराया था और क्योंकि वो जगह कमजोर थी इसीलिए उसमें आसानी से छेद हो गया होगा, जिससे समुद्र का पानी जहाज के वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में घुस गया और जहाज डूब गया। अगर जहाज के बेस में लगी आग को ठीक कर दिया जाता तो ये हिस्सा कमजोर नहीं पड़ता और शायद आइसबर्ग के टकराने से जहाज को इतना फर्क न पड़ता। वो 1500 लोग जो मारे गए थे वो बच जाते। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि टाइटैनिक को बनाने में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको इस आग के बारे में पता था, लेकिन तब भी उन्होंने इस पर काबू पाने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि जब तक उन्हें इसका पता चलता तब तक टाइटैनिक की सारी टिकट्स बिक चुकी थी। अगर उस समय इस सफर को रद्द किया जाता तो कंपनी को बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ता, जिसके लिए कंपनी तैयार नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी कभी न डूबने वाले जहाज टाइटैनिक की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।